तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सशि क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही रखा है कि हमें हिचकी क्यों आती है, ठीक है। तो भाई, यूँ तो हम जानते हैं कि हमें हिचकी तब आती है जैसे हम लोगों के कहने पे, हम क्या मानते हैं लोगों के सुनने पे, कहने पे, कि जब हमें कोई और याद कर रहा होता है तो हमें हिचकी आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सोच बिल्कुल गलत है कि अगर हमें कोई याद कर रहा होता है तब हमें हिचकी आती है, ठीक है। तो आप लोग इस सोच को, इस ख्याल को अपने दिमाग से अभी इसी वक्त, इसी क्षण निकाल दीजिए कि जब हमें कोई और याद करता है तो हमें हिचकी आती है, ठीक है। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हिचकी क्या आती है, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिचकी के आने के पीछे का लॉजिक क्या है। और सिर्फ हिचकी ही नहीं, हर एक उस चीज़ के बारे में जानना, उसका असली लॉजिक निकालना जो इस दुनिया में मौजूद है, ठीक है। उसे ये नहीं मान लेना कि हाँ इसी वजह से होता है ये। जब तक उसका लॉजिक आप निकाल नहीं लेते हो, तब तक आप एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। तो हमारे ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम एक साइंस के स्टूडेंट हैं कि हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक निकालना जाने हम, तब हम एक अच्छे और बेहतरीन साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आखिर किस वजह से हिचकी आती है, साथ साथ में इस चीज़ का लॉजिक भी निकाल के देखेंगे और ये जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आज का, आप लोगों का क्लियर होने वाला है। इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। चलिए, अब हम समझेंगे कि भाई हिचकी क्यों आती है। देखिए, हिचकी तब नहीं आती जब हमें कोई और याद करता है, बल्कि हिचकी तब आती है जब हम किसी को याद करते हैं, समझे। हमें हिचकी तब नहीं आती जब कोई दूसरा हमें याद कर रहा होता है, ठीक है, बल्कि हिचकी तब आती है जब हम किसी और को याद कर रहे होते हैं या फिर कहीं और ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है, तब हमें हिचकी आती है। अब वो बात आएगी कि भाई, अब आप ही लॉजिक बता दीजिए ना कि तब किस तरह से, क्या है इसका लॉजिक आपके कहने के हिसाब से कि जब हम किसी और को याद करते हैं तो हमें हिचकी आती है। तो अब आप इसका लॉजिक निकाल के बताइए, बिल्कुल बताएंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो मेरे कहने के हिसाब से, मेरे नहीं साइंस के कहने के हिसाब से, कि हम जब किसी और को याद करते हैं तब हमें हिचकी आती है, बिल्कुल आती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये जो मुख होता है ना, मुख मतलब क्या है, ये मुंह जो हम लोगों का होता है, ठीक है, इस मुंह के नीचे एक नली होती है, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं और जो खाना खाते हैं, सांस हमारे नाक के द्वारा लेते हैं, मुंह के भी द्वारा लेते हैं। तो भाई, भोजन हुआ या फिर वायु हुई, जो भी हुआ, जब मुंह के द्वारा आता है तो ये एक नली होती है जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं। इसके द्वारा वो दोनों आते हैं, ठीक है, वो दोनों इसके द्वारा, इसी नली के द्वारा आते हैं, उसके बाद फिर दो भागों में बट जाते हैं, ठीक है। ये नली आते हुए पहले तो एक ही टाइप में आएगी, उसके बाद फिर ये दो भागों में बट जाती है, ठीक है, जिसमें कि एक वाला जो भाग है वो श्वास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली। और दूसरा वाला जो पाइप है वो हम लोगों का भोजन की नली कहलाता है, ठीक है, भोजन नली, ठीक है, खाने की नली, भोजन की नली जो कही है, ठीक है, फूड पाइप कह दीजिए, ठीक है। तो जो भोजन या फिर जो वायु आ रही है, अभी तक तो वो एक ही साथ आ रही है, लेकिन अब वो दो भागों में बढ़ जाएंगी। एक श्वास नली में, यानी कि जो वायु है वो श्वास नली में चली जाएगी, और जो हम लोगों का भोजन है वो हमारे भोजन नली में चला जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात अब आती है, मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए, जहाँ ये दोनों पाइप बट रही हैं उसी के पास एक एपिग्लोटिस होता है। ध्यान से सुनिए बिल्कुल, एक एपिग्लोटिस होता है, ठीक है, जो जितना सारा काम करता है दिमाग के हिसाब से करता है, मस्तिष्क जो उसे जैसा करने को कहता है एपिग्लोटिस उसी के तरह करता है। हम कह सकते हैं एक कठपुतली की तरह मस्तिष्क जो उसे कह रहा है, किसे एपिग्लोटिस को, मस्तिष्क जो काम करने को कहेगा एपिग्लोटिस वही करेगा, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का काम देखते हैं। देखिए, एपिग्लोटिस का काम क्या है कि मुख के द्वारा भोजन आ रहा है तो उसे भोजन की नली में भेजना। अब वो तो कह रहे नहीं जाओ भोजन की नली में जाओ, ऐसे नहीं रखेगा। वो क्या करता है कि एपिग्लोटिस जानता है कि भोजन आ रहा है, उसे हम तो भेजेंगे नहीं, है ना। तो वो क्या करता है,
क्या, अगर वो देख लेता है अगर भोजन आ रहा है तो वो क्या करेगा, सांस वाली नली को बंद कर देगा, तो भोजन अपने आप सांस नली भोजन की नली में चला जाएगा। इसी तरह से जब वायु आती है तो एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन की नली को बंद कर देता है। ठीक है, जब वायु आती है तो एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन की नली को बंद कर देता है। एक सेकंड हम बंद करके दिखा दें। ठीक है, जब यहां से वायु आती है एपिग्लोटिस जान जाता है कि हवा आ रही है तो इसे हमें श्वास नली में भेजना है, तो ये क्या करता है ऐसे भोजन वाली नली के सामने ऐसे लग जाता है, तो यानी भोजन वाली नली को बंद कर देता है। तो जो वायु आ रही होती है वो वायु श्वास नली में चली जाती है। इसी तरह से जब वो जान लेता है कि भोजन आ रहा है तो वो क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है भाई, एपिग्लोटिस बंद कर देता है। तो जो खाना होता है हम लोगों के भोजन वाली नली में चला जाता है। ठीक है, तो समझ गए हम। कभी कभी क्या होता है, एपिग्लोटिस हो जाता है डिस्टर्ब, समझ रहे हैं? अब क्यों हो जाता है डिस्टर्ब, हमने आपको पहले ही बताया कि एपिग्लोटिस जो भी करता है वो मस्तिष्क के कहने पे ही करता है। तो जब मस्तिष्क ही स्थायी नहीं रहेगा तो एपिग्लोटिस भी स्थायी नहीं रहेगा। जब मस्तिष्क पूरी नहीं कर सोच पाएगा वो करना क्या है, तो वो दूसरे को क्या एडवाइस देगा, है ना, कि तुम ऐसे करो ऐसे करो। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम खाना खाते समय या फिर किसी से बातचीत करते समय, खाते तो हम खाना है लेकिन ध्यान कहीं और रहते हैं। जैसे हम खा रहे हैं खाना, अरे यार, जैसे कुछ भी आप सोच सकते हो, अरे यार आज मेरे एग्ज़ाम में क्या होगा, अब मेरे को किसी ना किसी तरह से एग्ज़ाम को पास करना है, नहीं तो सर बड़ी बहुत मार मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे, है ना। फिर ये भी हो सकता है, अरे यार, मतलब कुछ भी आप सोचते हो, खाते कहीं और सोचते कहीं और, खा रहे हैं हमको पता है हम खाना खा रहे हैं लेकिन सोचते कुछ और ही हो आप, तो उतने समय में क्या होता है आपका दिमाग स्थायी नहीं रहता है। तो जब आपका दिमाग स्थायी नहीं रहता है तो आपका दिमाग एपिग्लोटिस को सही संदेशा नहीं दे पाता है कि भोजन आ रहा है कि श्वास आ रहा है। ठीक है, भोजन आ रहा है कि वायु आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई एपिग्लोटिस तो ये नहीं जान पाता है कि वहां से भोजन आ रहा है कि वायु आ रही है, उसे ये कौन बताता है, दिमाग बताता है कि भोजन आ रहा है, अब तुम काम करो कि श्वास नली को बंद कर दो, जिससे भोजन भोजन वाली नली में चला जाए। वही दिमाग ही ये कहता है कि एक काम करो, वायु आ रही है, एक काम करो तुम भोजन वाली नली को बंद कर दो, वायु श्वास नली में चला जाए। अब जब दिमाग खुद ही डिस्टर्ब हो गया है, कुछ और सोच रहा है, अब वो एपिग्लोटिस को क्या संदेशा देगा कि तुम ये करो वो करो, तो ऐसे में क्या होता है एपिग्लोटिस डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद उसका जो मन करता है वो कर देता है। ठीक है, मान लीजिए एपिग्लोटिस तो समझता नहीं है, उसके मन में जो आया जल्दी आया कर देता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसी स्थिति में एपिग्लोटिस जब हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, कहीं और ही बिजी होता है, तो हमारा एपिग्लोटिस कह रहा है भाई बता रहे कहाँ भोजन आ रहा है, पानी आ रहा है, क्या करें, तो इसमें क्या होता है एपिग्लोटिस क्या करता है, कुछ नहीं सोच पाता है। तो अगर भोजन आ रहा होता है, दिमाग तो अभी डिस्टर्ब ही है, तो एपिग्लोटिस अपने हिसाब से क्या करता है, जब भोजन आ रहा होता है तो भोजन की नली को बंद कर देता है। अब वो भोजन कहाँ चला जाएगा, सीधी सी बात है हमारे श्वास नली में चला जाएगा। क्या करता है, भोजन वाली नली को एक बंद कर देता है। कब, जब हमारा दिमाग कहीं और ही डिस्टर्ब होता है, भोजन वाली नली को ये बंद कर देगा, और जो भोजन रहेगा वो सीधे आ जाएगा हमारे श्वास नली में। श्वास नली में आने के बाद ये आ जाएगा हमारे फेफड़ों में, भोजन कहाँ पे, फेफड़ों में हमारी वायु आती थी कहाँ पे, भोजन आ गया। तो जैसे ही हमारे फेफड़ों में भोजन आ जाता है तो क्या फेफड़ा क्या होता है, उस भोजन को मतलब फेंकता है कि यहाँ भोजन नहीं आना चाहिए, भोजन को जो है पुश करता है। जैसे यहाँ से भोजन आया, अभी फेफड़ा क्या करेगा, उस भोजन को, उस खाने को ऊपर की तरफ पुश कर देता है। तो वही जब वो ऊपर की तरफ पुश करता है तो क्या होता है कि हमें हिचकी आती है। ठीक है, हर 5-5 मिनट के बाद, ठीक है, जैसे ही वो फेफड़ा उसे पुश करता है, हर 5-5 मिनट के बाद हमें हिचकी का अनुभव होता है। अभी चीज आपको मैं और बता दूँ, आप लोग समझ गए हिचकी क्यों आता है। बात तो वही निकली ना कि जब हम किसी और को याद करते हैं तो हमारा दिमाग हो जाता है डिस्टर्ब, कहीं और ही ख्याल में खोया रहता है, और हमारी एपिग्लोटिस को सही संदेश नहीं दे पाता है, और एपिग्लोटिस अपने हिसाब से काम कर देता है। ठीक है, तो वही तो बात आई कि जब हम किसी और को याद कर रहे होते हैं या फिर किसी और के ख्यालों में खोए रहते हैं तो हमारा दिमाग हो जाता है डिस्टर्ब, और हमारे एपिग्लोटिस अपने मन के हिसाब से काम कर देता है, और वही काम गड़बड़ हो जाता है। और वही जब भोजन हमारा हमारे यहाँ फेफड़े में चला जाता है तो फेफड़ा जब उसे पुश करता है तो वही हिचकी आती है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया लॉजिक क्यों आती है हिचकी। अरे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे फेफड़े के नीचे ना एक संयोजी ऊतक का बना जो होता है,
डायफ्राम होता है, ठीक है। हमारे फेफड़ों के नीचे ना एक संयोजक तक का बना एक डायफ्राम होता है, ठीक है। अब डायफ्राम क्या होता है भाई, एक संयोजक तक का बना होता है, जो डायफ्राम होता है मांसपेशी मांसपेशियों का बना होता है। तो भाई ये इसका काम देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, नीचे बराबर हो जाता है। जब हम लोग हवा को अंदर लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है इस तरह से। लेने को तो हम लोगों ने सांस ले लिया, लेकिन अब इस फेफड़े के पास इतना दम नहीं होता है कि अब उस सांस को छोड़ सके। खींचने के लिए तो खींच लेगा ये फेफड़ा, लेकिन छोड़ने के लिए छोड़ नहीं पाता है वो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो इस फेफड़े को पुश करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब हमें सांस को छोड़ना होता है तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो किसको पुश करता है, हमारे फेफड़े को पुश करता है, जिससे कि सांस छोड़ी जा सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग लगभग देखते होंगे कि यार किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, उसका ना हाथ टूटता है, ना पैर टूटता है, ना सर फूटता है, मतलब शरीर के बाहर से देखने पे कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी आ आ करके मर जाता है। क्यों होता है पता है, होता क्या है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम उसका जो है भाई तक का बना होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और उसका डायफ्राम टूट जाता है। तो डायफ्राम टूट जाने की वजह से उसका जो है सांस बाहर नहीं जा पाती है, और जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो अपने आप मर जाएंगे। तो यही होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका पेट तो ऐसे निकल जाता है खूब सारा, है ना, तो उसमें क्या होता है डायफ्राम हमारा काम नहीं कर पाता है, खुद ही का सारा पेट निकल जाता है, तो डायफ्राम क्या होगा, नीचे होगा, जगह ही नहीं है उसके पास। तो उसमें ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला का क्या होता है कि डायफ्राम के अगल बगल की कुछ जो मांसपेशियाँ होती हैं वो उसे फेफड़े को खुश कराने में और सांस दिलाने में पूरी कारगर साबित होती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, हिचकी क्यों आता है। इसी के साथ साथ मेरा मन किया आपको बता दें इस चीज़ को भी कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, ना उसको चोट लगती है ना कुछ होता है, लेकिन अचानक मर जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसका जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम टूट जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है, और ऐसी स्थिति में वो मर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो आपको लगी कैसी। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो शेयर जरूर करिएगा।